देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा, वेबिनार में भी इस बात को सुने होंगे कि ये जो हमारे कई सारी कंपनियां जो हैं ऑन पैसिव से पार्टनरशिप करने के लिए जो है बिल्कुल बेचैन हो रही हैं बिल्कुल। और ये क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है, क्यों ये इतना ऑन पैसिव के लिए पार्टनरशिप के लिए इतना पीछे जो कंपनियां पड़ी हुई हैं उसका रीजन क्या है, जबकि हमारा मार्केट में अभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अपने लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यहां पर जो एक बात होती है सबसे बड़ी है कि ऑन पैसिव जो है जिस हिसाब से मार्केटिंग कर रही है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो कंपनियां अचानक से जो है ऑन पैसिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं, उन्हें लग रहा है कि यार ये वाकई में इस कंपनी में बड़ा दम है, उसको कहीं ना कहीं वो सर्च कर रहे हैं और जाकर के देख रहे हैं कि ऑन पैसिव आखिर चीज क्या है, आखिर ये ऑन पैसिव ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतना जबरदस्त जो तहलका मचाने जा रही है एक इंटरनेट वर्ल्ड में, एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। तो देखिए, यहां पर बहुत सारी जो कतार में लगी हुई है कई सारी कंपनियां जो बिल्कुल रेडी है कि भाई हमें जो है ऑन पैसिव से पार्टनरशिप करनी है। लास्ट वेबिनार में आई थिंक आपने सुना होगा, मिस्टर एश ने भी इसका जिक्र किया था और मोहम्मद कमाल साहब के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी तो उनके साथ यही डिस्कशन वगैरह थे कि जो उन्होंने बताया कि किस टाइप से कंपनियों ने अप्रोच कर रही है कि भाई हमें बताइए क्या है ऑन पैसिव। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऑन पैसिव जो है देखिए एक पूरी तरह से लीगल और एक ऐसी कंपनी है जो ह्यूमैनिटी के लिए, एक मानवता के लिए काम करना है फ्यूचर में इन्हें जो है, तो इस वजह से आगे ये पूरा जो है सारी चीजों को लेकर के चल रही है ऑन पैसिव। मतलब ये बोले कि लीगल वे में अगर देखें तो ऑन पैसिव जो है पूरी तरह से लीगल और प्योर कंपनी है। दुनिया भर का मार्केट इतना बड़ा है, इतनी सारी कंपनियां हैं, ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी जो है हमारे साथ पार्टनरशिप करने आ रही है, कौन सी लीगल है कौन सी अनलीगल है, तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हेड्स ऑफ हमारी मार्केटिंग की टीम जो है ऑन पैसिव की बैक ऑफिस की टीम है, वो जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं अपने हिसाब से वो सारी तैयारी कर रहे हैं कि किस कंपनी को जो है एंट्री हमारे साथ पार्टनरशिप देनी है या नहीं देनी है। देखिए, लोग पैसा लेकर के बैठे होंगे कहीं ना कहीं कि हम पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आप बात पैसों की रुपयों की नहीं है कि भाई कोई भी कंपनी, पता चला कि कोई कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत उसका नाम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनलीगल है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से वो लीगल पब्लिकली दिख रही है लेकिन वो लीगल नहीं है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। तो ऑन पैसिव में जो भी कंपनियां आएंगी, जो भी पार्टनर्स बनेंगे ऑन पैसिव के, तो उनको सोच समझ कर ही पार्टनर बनाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कि सबसे ज्यादा पैसा दे रहा हो, जो सबसे अच्छा दिख रहा हो, वही यहां पर सारी चीजों को सर्च करने के बाद में, कई चीजों को देखने के बाद में ही ऑन पैसिव सारी कंपनियों से जो है पार्टनरशिप करेगी जो कि लीगल होंगी पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि हम जो जिस चीज को खत्म करने के लिए आ रहे हैं वो है करप्शन। करप्शन को अगर खत्म करना है तो हमारे साथ ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जो करप्टेड होगी, या फिर जो दिख तो बड़ी अच्छी रही है लेकिन वो करप्टेड है, मतलब करप्टेड कंपनियों को यहां बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। तो उसके लिए हमारी जो बैक ऑफिस की टीम वो सारी चीजें सर्च करती हैं, और हमारा जो ओ मीडिया का डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद में, और पूरी टेक टीम हमारी इसको रिसर्च करने के बाद में ही पता करती है कि भाई सारी चीजें क्या है। देखिए, प्रोडक्ट वगैरह जो हमारे रेडी होते हैं वो तो एक अलग चीज हो गया, वो डिपार्टमेंट अलग हो गया, लेकिन जो पार्टनरशिप करनी है, कैसे लोगों से डिस्कशन करने, कैसे कंपनियों से बातचीत करनी है जो हमारे साथ पार्टनर्स बनने को तैयार हैं, तो भाई उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमेशा जो है ऐसी कंपनियां ऑन पैसिव ऐसी कंपनियों के साथ ही पार्टनरशिप करने वाली है जो कि लीगल और बिल्कुल जेन्युइन कंपनियां होंगी। ऐसा नहीं कि उठे सोचे जो भी आ गए ऑन पैसिव के साथ में पार्टनरशिप करेंगे, तो यहां पर हर चीज का जो है सही तरीके से वेरिफिकेशन होने के बाद में ही सारी चीज हमारे पास आएंगी। देखिए, इसका रीजन क्या है, कंपनियां क्यों ऑन पैसिव के लिए इतना ज्यादा आ रही है, यहां पर ऑलरेडी जो है बना बनाया कस्टमर उनके पास रेडी है, कहीं ना कहीं यहां पे जो हमारे फाउंडर्स हैं या बोल सकते हैं जो अलियस कस्टमर है वो यहां पर मौजूद हैं, और इसके अलावा कंपनी के अभी मार्केट में आने के पहले ही जो प्रोडक्ट इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं, तो मार्केट में जैसे ही ये कंपनी आएगी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट मतलब आएंगे जैसे ही, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बूम करेंगे, और वो बूम जो करेंगे उसकी वजह से जो है और भी लोग यहां पे कस्टमर आने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे पार्टनर्स बनेंगे फ्यूचर में ऑन पैसिव के, तो उन्हें जो है बना बनाया जो कस्टमर बेस मिल जाएगा, और यहां पे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो भी उनके लिए बढ़िया होंगे। तो इस वजह से यहां पे पार्टनरशिप का बहुत
बहुत ज्यादा वैल्यू होगा, लेकिन इसको कैसे, किस प्रकार से, कैसे कंपनी किनके साथ पार्टनरशिप करनी है, ये डिसाइड करेगी हमारी जो भी मार्केटिंग टीम होगी अनपैसिव की। तो आप सोचिए कि जब हमारे साथ दुनिया भर की कंपनियां हमारे पीछे लगी हुई हैं कि भाई हमारे, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, हम भी आपके साथ में जाकर के दुनिया के सामने आना चाहते हैं, तो भाई सोचिए कि यहां पर हर एक इंसान जो एक कॉमन मैन है उसका कितना यहां पर वैल्यू ऑन पैसिव बना रहा है। मतलब एक आम इंसान जो एक आम फाउंडर था, मतलब एक आम इंसान जो एक इसमें ऑन पैसिव में एज ए फाउंडर है, सोचिए उसका वैल्यू कितना ज्यादा यहां पर और बढ़ने जा रहा है। दोस्तों हर चीज पे नजर रखिए, बैक ऑफिस पर नजर रखिए, क्योंकि अपकमिंग अपडेट्स जो ऑन पैसिव में आ रही है ना, वो बहुत ही जबरदस्त आने जा रही है।